हेलो फ्रेंड्स, गुलोशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेल बनाने की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए मुरमुरे, जिसको मैंने इसका चिवड़ा बना दिया है मुरमुरे का। ये है अनार के दाने, सेव, हरी चटनी, मूंगफली के दाने, इमली की चटनी, हरा धनिया, 2 चम्मच उबले हुए आलू जिसको मैंने काट लिए हैं, और 2 चम्मच प्याज। सबसे पहले हम बाउल में ये मुरमुरे ले लेंगे और इसके बाद ये मूंगफली के दाने 2 चम्मच, उबले हुए आलू और उबले हुए आलू डाल लेंगे, और इसमें 2 चम्मच प्याज। इसके बाद हम थोड़ी सी सेव डालेंगे। सेव डालने के बाद हम अनार के दाने और ग्रीन चटनी 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ग्रीन चटनी डाल सकते हो, और 2 बड़े चम्मच इमली की चटनी, 2 बड़े चम्मच इमली की चटनी। तो ये सब रेसिपी आप प्रेफर कर सकते हो मेरे चैनल पर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा धनिया डालना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई है। इसके लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जब भी आपको बेल खानी हो तो इसी तरह से आप जब खाना हो उसी वक्त बनाइए, अदरवाइज ये सौगी हो जाएगी। तो ये बेल रेडी है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये एक और इंग्रेडिएंट मैं डालना भूल गई थी, ये पापड़ी जो है इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है मेरे चैनल पर। तो इसको भी इस तरह से तोड़ के हमें डाल देना है, और ये अब वापिस एक बार मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। तो अब मैं ये सर्विंग प्लेट में ले लूंगी। सर्विंग प्लेट में लेने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सेव, हरा धनिया, अनार के दाने और थोड़ी सी इमली की चटनी इस तरह से हम सर्व करेंगे, ताकि इसका टेस्ट एकदम मस्त आएगा। तो ये देखिए, लाजवाब बेल रेडी है। आप ट्राई जरूर करना, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।